आज हम लोग एक गवर्नमेंट इंटर्नशिप की बात करेंगे। ये इंटर्नशिप निकल के आई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर, और ये इंटर्नशिप आपको वर्क फ्रॉम होम करना है, मींस ये इंटर्नशिप ऑनलाइन रहेगी, आपको अपने घर पे ही रहना है और वहीं से इस इंटर्नशिप को करना है। इस इंटर्नशिप में आपको 10,000 रुपीज ऐसा स्टिपेंड दिया जाएगा पर मंथ के लिए, और ये इंटर्नशिप आपको 2 महीने के लिए रहेगी। और भी इसमें बहुत सारी डिटेल्स है जो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, कैसे अप्लाई करना है, कौन अप्लाई कर सकता है, सारी चीजें मैं आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके आया हूँ जिसका लिंक मैं दे दूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ये है, और यहाँ पे अगर मैं नीचे आऊंगा इंटर्नशिप डिस्क्रिप्शन के पास में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है BBS लॉ इंटर्न्स। अब आप समझ गए होंगे लॉ इंटर्न्स का मतलब ये होगा कि यहाँ पे वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने लॉ कर रखा है। मीन्स देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय भाषा समिति अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारतीय भाषा समिति ये है, इसी के अंडर ये इंटर्नशिप निकल के आई है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्चुअल इंटर्नशिप, मीन्स आपकी ये ऑनलाइन इंटर्नशिप रहेगी। लोकेशन तो आपके दिल्ली ही रहेगी। ड्यूरेशन जो रहेगा इस इंटर्नशिप का वो 2 महीने के लिए है। आपको स्टिपेंड 10,000 रुपया दिया जाएगा। लास्ट डेट फॉर अप्लाई आपका रहेगा 15 सितंबर, तो आपको 15 सितंबर से पहले अप्लाई करना है। जरा देख लीजिए ये इंटर्नशिप के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये भारतीय भाषा समिति के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर है, इसमें अलग अलग एक्टिविटीज कराई जाएंगी। तो ये पूरा का पूरा लैंग्वेज से रिलेटेड इंटर्नशिप रहेगी, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है हु कैन अप्लाई। देखिए ओनली दोज कैंडिडेट कैन अप्लाई हो, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं आर फ्रॉम LLB, जो जिन्होंने LLB किया हुआ होगा, या फिर आपने LLB में कोई स्पेशलाइजेशन कर रखा होगा। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कहीं और से करी, या उसके बाद में आपने कोई स्पेशलाइजेशन कर रखा LLB में, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ के साथ ये जो इंटर्नशिप है ना वो 2 महीने के लिए रहेगी आपको, तो 2 महीने आपके पास फ्री होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद में आपके पास ना कुछ एक्स्ट्रा में स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि ये भाषा समिति के अंदर है, तो इससे ही पता चला ना कि आपके पास कुछ लैंग्वेज की ज्ञान होना चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के अंदर। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ एटलीस्ट ग्रेजुएशन इन अ लॉ एंड इक्विवेलेंट। मान लीजिए आपने लॉ में ग्रेजुएशन कर रखा, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री आपके पास है। फिर इसमें बी सेक्शन में देखें यहाँ पे लिखा हुआ है आपको ना प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए 2 लैंग्वेज में। कौन कौन सी? या तो आपको अच्छे से बोलना आना चाहिए, या फिर आपको उसको अच्छे से लिखना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो एक कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, दूसरी लैंग्वेज आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। तो बोलने और लिखने में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, एक लैंग्वेज आपकी कोई भी हो सकती है और एक लैंग्वेज आपको इंग्लिश ही रखना पड़ेगा। अब देखते हैं थर्ड कंडीशन में इन्होंने क्या दिया हुआ है। सी आप समझ गए, पहले आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, दूसरे आपकी 2 लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, एक लैंग्वेज इंग्लिश होना जरूरी है, और दूसरी कोई भी लैंग्वेज हो सकती है जो 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। तो आप जो भी लैंग्वेज पढ़ते होंगे पक्का वो 8th शेड्यूल में आती होगी। थर्ड है देखिए इसमें कहा ट्रांसलेशन आपको आना चाहिए, इंग्लिश से दूसरी लैंग्वेज में, दूसरी लैंग्वेज से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना आना चाहिए। तो मान लीजिए आपको किसी 2 लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी, एक इंग्लिश एक उड़िया में, तो आपको इंग्लिश से उड़िया में कन्वर्ट कर दो, उड़िया से आपको इंग्लिश में कन्वर्जन करना आना चाहिए। ये पॉइंट नंबर 3 में है। तो ये तीनों स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। चौथा आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। आई होप इतना ज्ञान तो सबको पता होगा, और साथ के साथ में आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। तो आप थोड़ा देख लीजिएगा टाइपिंग और कंप्यूटर की लैंग्वेज। और देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या होगा, 3 राउंड ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। पहले राउंड में यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्टेड ऑफ आ एप्लीकेशन। सबसे पहले जितने लोग फॉर्म भरेंगे उसमें से वो कुछ लोगों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे। दूसरे राउंड में क्या होगा, एन ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट। सेकंड राउंड में होगा आपका एक ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा। तो पहले राउंड में वो खुद ही सिलेक्ट करेंगे कि किन लोगों को लेना है। सेकेंड राउंड में आपका एक रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा। थर्ड राउंड में आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जाएगा। तो अगर आप तीनों के तीनों राउंड को पास करोगे तब जाके आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। तो देखिए अगला आगे यहाँ पे देखिए वैकेंसी तो ठीक ही है, यहाँ पे 100 इंटर्न्स ये लिए जाने हैं, ठीक है। तो आप आगे कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे, देखिए आप अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई करने के लिए बस सिंपल है, यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर अप्लाई नाउ पे हिट करेंगे। जैसे आप अप्लाई नाउ पे करेंगे ना तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो आपको इधर नहीं जाने का, तो आप यहाँ पे आएंगे स्टूडेंट, क्योंकि आप स्टूडेंट है ना, तो आप स्टूडेंट पे आएंगे और यहाँ पे कन्फर्म करेंगे। जैसे आप यहाँ पे आके कन्फर्म करेंगे, तो अगर आपने कभी पहले अप्लाई किया होगा तो ठीक है, अदरवाइज आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। तो आप जैसे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी होगी, फिर आपको रजिस्टर करना होगा, फिर आगे ये फॉर्म खुलता हुआ चला जाएगा और आप अप्लाई करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट आएगा तो आप बताइएगा, और या फिर आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, हम उसी तरीके से आपको रिस्पॉन्स दे देंगे। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और।